हेलो मित्रों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो इसके पहले हमने प्रश्नावली एक पूरी करा दिया था, तो उसी क्रम में ये प्रश्नावली 1.2 यानी 1.2 है। तो चलिए इसको बिना देरी के देख लेते हैं। और जो हमारे नए छात्र छात्राएँ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो पुराने छात्र हैं वो लोग कमेंट करें और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। चलिए, प्रश्नावली क्या है? सिद्ध कीजिए कि ब्रैकेट में √3 - 1, ब्रैकेट बंद, एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है मित्रों। तो क्या है कि चलिए हम इसके लिए कुछ आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं। इधर देख, प्रश्नावली 1.2 है। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएँ या ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब Q का मान 0 नहीं हो सकता, यानी अगर 0 हो जाएगी तो माने कोई संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो फिर फी वो सी हो जाएगा, या 1 से 0 भाग देंगे 0 आ जाएगा। तो इसलिए इसका 0 नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जैसे जो लिखा जा सकता है, मान लो इसको हम पी हो गया, ए क्यू हो गया, ए अंश हो गया, अब ए हर हो गया, इस तरह से। अब -5 है, इसके नीचे भी एक लिखा जा सकता है, यानी माइनस, या चलो हम कुछ भी ले लेते हैं, 3 है, इसके नीचे भी एक लिखा जा, यानी जिसके नीचे एक लिखा जा सके वो परिमेय संख्या है, जिसके नीचे न लिखा जा सके वो अपरिमेय संख्या है। चलिए अपरिमेय संख्या देख लेते हैं। ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे √2, √3, √5। तो देखिए √3, √5, अब जैसे हम 4 ले लेते हैं, 4 रूट में, अब देखिए 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 × 2, इसका जोड़ा बन गया, ये बाहर हो गया, बराबर 2 आ गया। अब 2 के नीचे अब इसके 1 लग जाएगा, ये तो P/Q हो गया, ये तो परिमेय संख्या चली जाएगी, इसलिए जो है √4 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। तो ऐसे ही अब देखिए, जैसे 3 है या √7 है, अब इसका गुणनखंड करेंगे, मैंने ब्रैकेट के अंदर ही रहे, बाहर जाएगी नहीं, यानी जो ब्रैकेट के अंदर रहे वो जो है अपरिमेय संख्या है, और जो ब्रैकेट मैंने गुणनखंड करने के बाद बाहर चली जाए वो परिमेय संख्या होती है। तो चलिए इसी के बारे में सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल है, पहला सवाल मैंने पढ़ दिया, आप लोग देख लीजिए एक बार। चलिए हम लगाते हैं पहले सवाल क्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको मित्रों आपको सिद्ध करना है। तो चलिए हम क्या लिखते हैं, अब हल लिखेंगे। अब क्या है, जैसे अपरिमेय कहा है तो हमको परिमेय मान लेना है, जो कहा है उसका लिख देते हैं यहाँ पर, जो कहा गया है उसका विपरीत मानना है। ठीक, तो जो कहा गया उसका विपरीत मानना है। तो कहा गया है माना, अब क्या है, ब्रैकेट में √3 - 1 एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय, तो परिमेय लिखो, माना एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो ए के बराबर है। तो चलिए अब क्या करेंगे हम, और अब लिखेंगे क्या, √3 - 1 इज इक्वल टू ए। अब पहला पक्ष हो गया और दूसरा पक्ष हो गया,
अब लिखो दोनों पक्षों को अवर करने पे, यहीं पर लिख लो दोनों पक्षों को अवर करने पर, लिख दे यहीं पर, चलो लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, चलिए दोनों पक्षों को वर्ग करिए। पहला पक्ष क्या है, रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मित्रों क्या हो जाए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बन जाए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र बन जाएगा। होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसी पे हम रख देते हैं, चलो पहले ए के स्थान पर क्या रखते हैं, रूट थ्री रख देते हैं यहाँ पे, रूट थ्री, रूट थ्री का होल स्क्वायर। अब प्लस बी के स्थान पर क्या है, एक, एक का होल स्क्वायर, फिर माइनस माइनस टू। अब एक एक स्थान पर क्या है, रूट थ्री, रूट थ्री, और गुड़े बी के स्थान पर क्या है, एक है, यहाँ रख देते हैं। अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर लगा दीजिए। अब से क्या हो जाएगा, अब बराबर तीन का माने स्क्वायर हो जाए, तीन माने तीन का स्क्वायर है, कालनी हट जाएगी, और प्लस एक कोई भी संख्या रहे एक ही आएगा, यहाँ दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर माइनस दो, दो को एक से बुलाकर वही आएगा, वही आएगा इंटू टू रूट थ्री, टू रूट थ्री इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद फिर अब क्या करेंगे, अब क्या कर, अब तीन एक चार, चार तीन एक चार, अब माइनस टू रूट थ्री, टू रूट थ्री इंटू ए स्क्वायर। अब माइनस टू रूट थ्री इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस फोर, क्योंकि इधर प्लस में है, इधर जाएगी तो बराबर के माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, इधर माइनस टू रूट थ्री, अब इसको माइनस गायब करने के लिए क्या करेंगे, अब माइनस लगा करके, माइनस लगा करके, अब इसको क्या करेंगे, चार पहले इधर कर देंगे, चार फिर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, चलो हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ के बाद चलो यहाँ कर देते हैं, यहाँ से के बाद भी आप यहाँ से लिखिए, यहाँ कर देते हैं, क्या आएगा, टू रूट थ्री, टू रूट थ्री इज इक्वल टू, इज इक्वल टू आएगा क्या, चार माइनस ए स्क्वायर, चार माइनस ए स्क्वायर, चार स्क्वायर इतना आ गया। अब इसे रूट थ्री बराबर, रूट थ्री बराबर आएगा चार माइनस ए स्क्वायर, अब बटे देखो टू नीचे चला जाएगा टू, तो ए पी आ गया, अब ए क्यू आ गया, चलो पी बटे क्यू व्यक्त हो गया। अब लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे चार, अब लिखेंगे चार, अब यहीं से लिखना चालू कर दो, चार माइनस ए स्क्वायर बटे रूट टू, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन रूट थ्री, ये रूट इसका भी लिखो, लेकिन रूट थ्री जबकि लिखो, जबकि, जबकि रूट थ्री ये क्या है, देखो रूट थ्री है, या देखो ये रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है, अपरिमेय संख्या है, देखो अपरिमेय संख्या है, अतः एक दूसरे के विरोधाभास कारण, अतः एक दूसरे के, दूसरे के विरोधाभास के कारण, विरोधाभास का मतलब जो विरोध करते हों, चलो वैसे लिख देते हैं, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, विरोधाभास, विरोधाभास के कारण, के कारण, के कारण रूट थ्री ब्रैकेट में क्या है, रूट थ्री माइनस वन, यही चीज़ फिर लिखना है आपको, यही चीज़ रूट थ्री माइनस वन एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था मित्रों, एक अपरिमेय संख्या है,
लेकिन मित्रों इतना लिखा 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 जाएगा, अपरिमेय संख्या है, संख्या है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो लिख लो आंसर, नोट कर लीजिए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। चलिए अब दूसरा लिखते हैं सवाल नंबर, सवाल नंबर दूसरा देखिए क्या है। सवाल नंबर दो, सिद्ध कीजिए कि रूट फाइव माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लिख देते हैं इससे, दूसरा सवाल क्या है, चलो लिखते हैं दूसरा सवाल हम लिखते हैं क्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट फाइव माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसका अब आंसर क्या होगा मित्रों। अब इसका आंसर ये होगा, अब इसको मैंने जो कहा है उसका विपरीत मानना है, जो मैंने पहले बताया था ना, जो कहा उसका विपरीत मानो। लिखो माना, पहले हल लिखेंगे, हल माना, माना रूट फाइव माइनस रूट थ्री, क्योंकि मित्रों पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा, बीच से वीडियो नहीं, पूरा देखिए तब समझ में पाओगे। चलो रूट थ्री माइनस रूट टू एक परिमेय संख्या है, फिर लिखना है क्योंकि अपरिमेय कहा है तो यहाँ परिमेय मान लेना है, उल्टा जो कहा है उसका उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखो जो ए के बराबर हैं, या जो किसके बराबर हम कर दें, ए के बराबर या बी के बराबर, चलो लिख दो, जो ए के बराबर है, चलो लिख दो इसमें भी लिख दो, ताकि अब हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आपको दिक्कत ना हो कोई। लिखो जो ए के बराबर है, पहले में माने थे, चलो इसमें भी मान लिए ए के बराबर है, अब क्या हो जाएगा, देखो रूट फाइव माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू ए, तो ये पहला पक्ष हो गया, अब ये दूसरा पक्ष हो गया। अब लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए मित्रों दोनों पक्षों को वर्ग करो, वर्ग करने पर क्या आएगा, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर क्या आएगा। चलो पहला है क्या, √5 - √3² वर्ग, मतलब दो लग जाएगा ना, अब इधर क्या हो जाएगा, ए का होल स्क्वायर, तब क्या है सूत्र, क्या बनेगा सूत्र, बन जाएगा देखो, इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो सूत्र क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा सूत्र ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी सूत्र हो गया। अब क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर क्या रखें, ए के स्थान पर रख दीजिए आप क्या है, पाँच, √5 लिखो, √5 को होल स्क्वायर, प्लस बी के स्थान पर क्या रखेंगे, √3 का होल स्क्वायर माइनस टू गुड़े ए की जगह पर √5 गुड़े बी की जगह पर क्या है √3 इज इक्वल टू ए है, यहाँ पर यहाँ ए स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा देखिए, अब पाँच का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर है, स्क्वायर से कर्णी कट जाती है ना, तो खाली पाँच बचेगा, पाँच अब प्लस, अब इससे दो से एक कर्णी कट जाएगी, तीन बचेगा, अब माइनस, अब दो तो पहले रहेगा, दो यहाँ रहेगा, अब पाँच ब्रेकट है, ब्रेकट का इसका गुणा हो जाएगा, ब्रेकट जब गुणा होगा, ब्रेकट लगा करके पाँच गुड़े तीन इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा, पाँच तीन आठ
माइनस दो लगा करके, पाँच तियाई पंद्रह इजक्ल टू ए स्क्वायर, पाँच तियाई पंद्रह इजक्ल टू ए स्क्वायर। अब क्या आएगा यहाँ पे देखो, फिर बराबर लगाओ, अब माइनस टू, अब आठ है आठ उधर ले जाओ, आठ क्या है बराबर के बाद ले जाओ, टू रूट पंद्रह इजक्ल टू ए स्क्वायर। अभी प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस आठ हो जाएगा, आठ हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा मित्रों, अब इधर क्या हो जाएगा, माइनस टू रूट पंद्रह इजक्ल टू, अब क्या करेंगे, अब इधर माइनस लगा कर आठ इधर लाएंगे, अब माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, अब क्या आएगा, रूट पंद्रह इजक्ल टू एट माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर अब बटे टू नीचे कर दीजिए, टू नीचे चला गया, यही हो जाएगा क्या है? अब देखो ये पी हो गया, ए क्यू हो गया, परिमेय संख्या हो गई। अभी ए अपरिमेय संख्या क्योंकि ये कॉलोनी है, कॉलोनी से बाहर जाएगा नहीं है, तो लिखेंगे क्या, पहले यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, चलिए अब लिखते हैं, अब क्या लिखते हैं, चलो ऐसे कर दे रहा हूँ, चलिए अब क्या है लिखो, माने आठ आठ माइनस ए स्क्वायर बटे टू, एक एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि रूट पंद्रह एक अपरिमेय संख्या है, जबकि रूट पंद्रह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः लिखो, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण क्या हो जाएगा, यही चीज़ लिख देना है। क्या लिखना है, रूट पाँच माइनस रूट थ्री एक क्या है, यही लिख देना है, एक अपरिमेय संख्या, यही मित्रों आपको सिद्ध करना था, अपरिमेय संख्या है, यही का आपको सिद्ध करना था मित्रों, यही कर दीजिए आंसर। मित्रों मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। चलिए अब तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल चलो नंबर तीन देखिए, तीसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि इधर क्या है, टू प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। अब इसी के मित्रों सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए चलो कीजिए दो बार लिख दिया है सॉरी
चलो ऐसे ये काट दीजिए। अब सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलो लिख लो पूरा, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे अब, लिखो हल, हल लिखो माना, जो कहा है उसका विपरीत मान लेना, माना 2 + √3, 2 + √3 एक अपरिमेय कहा है, एक अपरिमेय है तो लिखो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो किसके बराबर है, जो ए के बराबर है, लिखो जो ए के बराबर है, जो ए के बराबर है, जो ए के बराबर है। अब क्या होगा, ए के बराबर है, अब लिखो, अब यहाँ पे लिखिए क्या, 2 + √3, √3 इज इक्वल टू ए। अब लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, चलो दोनों पक्षों को वर्ग करो, दोनों पक्षों को जब वर्ग करो क्या आएगा, 2 + √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, देखो अब इसमें क्या लगेगा, सूत्र लगेगा, आप इसको ए मानो, इसको बी मानो, तो क्या लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यही तो होता है। क्या लिखिए, लिखिए यहाँ तक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर चलो नोट कर लिए होंगे, चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब क्या हो जाएगा मित्रों, तो पहले ए के स्थान पे क्या है, 2 है, लिखो 2 का होल स्क्वायर प्लस बी के स्थान पे क्या है, बी के स्थान पे क्या है, √3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a क्या है, फिर 2 लिखो, b क्या है, √3 × √3 = a² यहाँ पर, ठीक। अब क्या होगा, 2 × 2 = 4 प्लस, अब देखो 2 है यहाँ, हाँ 2 से कर्णी कट जाएगी, बचेगा 3, स्क्वायर है तो कर्णी कट जाएगी, 3 बचेगा, अब प्लस 2 × 2 = 4 और फिर क्या हो जाएगा, ये √3 यहाँ लग जाएगा क्योंकि अब ये कर्णी में है स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, देखो इधर क्या हो गया, 4 × 3 = 7 प्लस 4 √3 = a². अब क्या हो जाएगा, अब इधर 4 √3, अब क्या लिखेंगे, 4 √3 ये लिख लेंगे बराबर 4 √3 = a². देखो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा स्क्वायर, उसके बाद फिर क्या है, फिर √3 बराबर √3 = a² -7, अब बटे ये 4 क्या है, नीचे चला जाएगा, अब 4, अब देखो ए पी आ गया, ए क्यू आ गया। अब इसी के आपको क्या करना है, अभी इस दर्शाना ये है कि अब लिखेंगे ए स्क्वायर -7/4 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है लेकिन √3 भी है, इसको भी लिखो ना, √3 एक अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, विरोधाभास का मतलब जो संख्याएं आपस में विरोध कर दी हैं, विरोधाभास के कारण, भास के कारण, कारण क्या हो जाएगा, कारण टू प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। यही हो जाएगा आंसर मित्रों। चलिए यही पूरा नोट कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मित्रों आप नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं दूसरा अगला, चलिए सवाल नंबर क्या है। अब देखिए सवाल नंबर इसमें क्या है, अब एक बार देख लीजिए। देखो सवाल नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि संख्याएं अपरिमेय हैं। पहली संख्या है 1/√2, दूसरा है 7/5, तीसरा है 6+√2। चलिए लिख देते हैं, लिख भी देते हैं, चलिए अच्छा लिख देते हैं। नंबर पाँच क्या हो जाएगा, नंबर 5 चलो लिख दो। अच्छा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित 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 संख्याएं निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अपरिमेय है पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 1/√2, दूसरी संख्या है 7/5, तीसरी संख्या है 6+√2। इसी के मित्रों आपको सिद्ध करना है। तो चलिए हम देखते हैं, पहली संख्या है, हम पहला मान लेते हैं, पहला क्या है 1/√2, इसी को हल करते हैं। चलो हल लिखो माना 1/2, 1/√2, एक क्या है परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो a अपान b का मतलब होता है परिमेय संख्या होती है, a अपान b के बराबर है चलो नोट करिए यहाँ तक, पहले a/b के बराबर है, तब क्या हो जाएगा मित्रों, a/b के बराबर जब हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 लिखो और उसके बाद फिर a/b। देखो इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a√2 = b, b का एक से गुणा होगा b ही रहेगा b, इसलिए √2 बराबर क्या हो जाएगा b/a, क्योंकि b ऐसे रहेगा, अब a यहाँ से नीचे चला जाएगा। देखो यही हो गया, अब लिखोगे क्या, लिखो b/a एक परिमेय, लिखो अब b/a क्या है, एक परिमेय संख्या है यही सीधे करना, परिमेय संख्या है लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है, रूट टू एक अपरिमेय संख्या, अतः अतः एक दूसरे की दूसरे के अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण भास के कारण एक दूसरे के विरोधाभास के कारण कारण क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण एक बटे दो यानी करणी में एक बटे करणी में रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। लिखो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि मित्रों इतना लिखना अनिवार्य है क्योंकि सिद्ध करना है ना, एक अपरिमेय संख्या है संख्या है, यही मित्रों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लिख लो, चलो लिख लो पूरा, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, चलिए नोट कर लिए होंगे, नोट करने बाद चलिए मित्रों हम दूसरा देख लेते हैं। अब चलिए दूसरा क्या है, सात रूट फाइव। चलिए अब इसका हल करते हैं, हल में क्या आएगा लिखो, सात रूट फाइव माना सात रूट फाइव अपरिमेय कहा तो परिमेय मान लेना, जो कहा उसका विपरीत मानना है। लिखो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जो ए बटे बी के बराबर है, ए बटे बी के बराबर है। तो लिखो सात रूट पाँच बराबर का चिन्ह लगाइए, और ए बटे बी माने हो तो ए बटे बी यहाँ पे लिख दीजिए, ए बटे बी के बराबर है। अब मित्रों क्या हो जाएगा, अब देखो रूट पाँच तो अपने स्थान पर रहेगा, अब इधर क्या हो जाएगी ए बटे, अब बी सात है, अब यहाँ सात ए नीचे चला जाएगा, सात बी लिख दो, सात बी, चलो ये बन गया सेवन बी, यानी ए बटे सेवन बी। अब क्या है, अब ए हो गया बी हो गया, अब लिखो, अब यहाँ लिख देते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं ए अपान सेवन बी, सेवन बी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है एवं रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है परंतु एक दूसरे के विरोधाभास कारण, लिखो परंतु या किंतु कुछ भी लिखो, परंतु एक दूसरे के विरोधाभास कारण विरोधाभास के कारण सात रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है
चलो मित्रों यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया, क्योंकि इतना लिखना अनिवार्य था मित्रों, तो क्योंकि बिना इसके जो है एग्जामिनर संतुष्ट नहीं होता तो ज़रूर इसको लिख देना है, क्योंकि आंसर तो आपका यही आ गया था, लेकिन जो है इतना लिखना ज़रूरी था इसलिए लिखना पड़ा। चलिए पूरा यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद चलिए एक खंडा और बच रहा है, ए हो गया, चलो ए बच रहा है, 6 + √2। चलिए पाँच का तीसरा खंड देखिए, पाँच का तीसरा दो खंड तो बता दिया, और तीसरा खंड देखिए, तीसरा खंड क्या था, 6 + √2, 6 + √2। अब इसमें क्या हो जाएगा, 6 + √2 में लिखो, अब माना हाल पहले लिखो, हाल माना, माना 6 + √2, अब विपरीत मानना है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, जो ए बटे बी के बराबर है, जो आप कुछ भी मानिए, ए प्लस बी में कुछ भी, जो ए बटे बी के बराबर है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या मानेंगे बराबर है। चलिए तो क्या करेंगे, 6 + √2 = a/b। चलिए अब क्या हो जाएगा, a/b हो गया, और √2 बराबर क्या हो, √2 = a/b, और ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस छः हो गया, तो √2 बराबर फिर लिखिए ऐसे लिखिए, चलो √2 यहाँ लगाइए बराबर, चलो यहाँ बराबर मत लगाइए, चलो ये √2 अब बराबर यहाँ लगाइए, यहाँ लगा कर क्या करेंगे, a - 6b, 6 × b, 6b/b, तो यही तो आ गया, ap आ गया, aq आ गया। तो अब लिखो a - 6b/b, एक क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन अब √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यहाँ लिखो, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण b + √2 एक अपरिमेय संख्या है। मित्रों यही कर दीजिए आंसर, ये तीनों खंड जो है मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की, अब आप पूरा अगर नोट कर लिए तो आपको कहीं पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और आपको इससे संबंधित सवाल में कभी भी कोई दिक्कत होगी नहीं भविष्य में। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों आप लोग इतनी देर से हमसे जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।